बच्चों गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। तो बच्चों देखो, आप पिछली क्लास में आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे थे वो कौन सा था? नरेशन था। और बच्चों उसके अंतर्गत क्या चीजें आपको मैंने पढ़ाई और कहां से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा, इस पर जरा आप गौर फरमाएंगे। तो देखो बच्चों, आपको हम समझा रहे थे कि टाइम एंड डिस्टेंस डिनोटिंग एडवर्बियल्स, यानी समय और दूरी सूचक शब्दों में किस तरीके से परिवर्तन करते हैं, ये प्रक्रिया बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपको समझाई थी। क्लियर है? तो देखना बच्चों, आपको याद होगा सबसे पहले मैंने आपको कहा था दिस। अगर दिस आ जाए तो बताओ जरा किस में बदलोगे? तो बच्चों दिस को आप दैट बदलोगे। ठीक है? जैसे मैंने आपको कहा कि राम से टू मी, राम ने मुझसे कहा दिस इज एन एलिफेंट, ये एक एलिफेंट है। तो आप इनडायरेक्ट बनाओगे राम टोल्ड मी दैट दैट वॉज एन एलिफेंट। यहां बच्चों एक चीज मजे की बात यह भी है कि दैट का प्रयोग दो बार भी हो सकता है। देट का प्रयोग बच्चों दो बार भी हो सकता है। जैसे आपको टेंस में बताया था कि हेड का प्रयोग दो बार भी हो सकता है। क्लियर हो गई ये बात? तो कैसे देट का प्रयोग होता है? एक तो बच्चों कंजंक्शन है, जैसे राम टोल्ड मी दैट, दैट तो बार से लाना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब आपका आरएस माने रिपोर्टेड स्पीच दिस से स्टार्ट हो रहा है तो दिस शैल बी चेंज्ड इनटू दैट व्हाइल चेंजिंग द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बच्चों दिस को दैट में बदलना पड़ेगा। तो इस तरीके से बताओ दैट कितने हो गए? इस तरीके से बच्चों आपके सामने दैट दो। ठीक है? तो बच्चों दिस को दैट में बदलते हैं, याद होगा आपको। और अगर मान लो दिस का प्लूरल आ जाए दीज, तो दीज को किस में बदलोगे जरा बताना? तो बच्चों दीज को दोज में बदलोगे। क्लियर हो गया? उसी तरीके से हियर को किस में बदलोगे? हियर को देयर में बदलोगे। क्लियर? और अगर बच्चों कम हियर आ जाए, कम हियर, ध्यान दो ये विशेष बात बता रहा हूं, किताबों में नहीं मिलेगी आप, ठीक है? तो बच्चों इसको गो देयर में बदलना पड़ता है। कम को गो में नहीं बदला जाता, लेकिन अगर कम के साथ क्या आ रहा है? हियर आ रहा है, तो हियर आ रहा है तो हियर को तो देयर में बदलना पड़ेगा। आप जब दियर को देयर में बदला तो बच्चों फिर कम को गो में बदलना आपकी क्या हो गई? कम को गो में बदलना आपकी मजबूरी, कम हियर को देयर हो गए। अब बच्चों जरा देखो, आपके पास आता है, एक आता है नाउ और देन वाला, पहले सीखो। ठीक है? नाउ और देन वाला। अगर मान लो नाउ आ जाए, जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि सोफिया सेड टू सैम, सोफिया ने सैम से कहा इट इज रेनिंग नाउ, माने अभी बारिश हो रही है। तब बच्चों आप क्या कहोगे? सोफिया टोल्ड सैम दैट इट वॉज रेनिंग, नाउ की जगह देन का प्रयोग होगा, इट वॉज रेनिंग देन। तो बच्चों जो नाउ है, इस नाउ की एवज में आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? देन का प्रयोग करना पड़ेगा। और बच्चों आइए आप ये देखो, यदि टूडे आ जाए, तो टूडे आ जाए तो किस में बदलोगे? दैट डे में। टूडे को बच्चों किस में बदलोगे जरा बताओ? टूडे को आप बदलोगे दैट डे में। अब टूडे आ गया बच्चों, तो टूडे का क्या हो जाएगा? टू नाइट हो जाता है, टू नाइट, टू नाइट। क्लियर? ये जो टू नाइट है बच्चों, इसको दैट नाइट में बदलेंगे। क्लियर? अब बच्चों मैंने आपको कहा था कि टू नाइट के बारे में एक विशेष बात मैं आपको बताऊंगा, और पिछली क्लास में बच्चों आपको मैंने नहीं बताई थी, तो जरा ध्यान दो। कई बार बच्चों आपको परीक्षा में दिया जाता है टू डेज नाइट, ध्यान देना, टू डेज नाइट यानी आज की रात। और ये बच्चों आपको बिल्कुल सही प्रतीत होता है, इट सीम्स टू बी करेक्ट, ये बिल्कुल आपको सही प्रतीत होता है। क्या सही प्रतीत होता है? टू डेज नाइट आपको बिल्कुल बच्चों पहली नजर में सही प्रतीत होता है, लेकिन ये वास्तव में सही नहीं है। यदि इस तरीके की बनावट बच्चों परीक्षा में आपको दी जाती है और आपसे सेंटेंस को इंप्रूव करने के लिए कहा जाता है, एंड यू आर आस्क्ड टू इंप्रूव द सेंटेंस, और अगर आपसे कहा जाता है कि प्लीज इंप्रूव द सेंटेंस, तो आप क्या करना पड़ेगा? आपको बच्चों टू डेज नाइट को काट के टू नाइट का प्रयोग करना पड़ेगा। बोलो समझ में आ गई ये बात? अब बच्चों इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई है जो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी, तो आगे वाली जो बातें बच्चों, आप जानते हो डे तीन प्रकार के होते हैं, एक टुडे होता है माने आज, एक यस्टरडे होता है माने बीता हुआ कल, एक बच्चों टुडे होता है, एक यस्टरडे होता है, और यस्टरडे का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। और अगर आपसे कहा जाए कि डे बिफोर यस्टरडे, तो उसका माने परसों होता है, बीता हुआ परसों। उसी प्रकार से टुमारो, टुमारो माने आने वाला कल होता है, और एक होता है जो डे आफ्टर टुमारो, तो डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या होता है? मतलब आने वाला परसों। तो इसमें किस तरीके से परिवर्तन करते हैं, यह प्रक्रिया बच्चों आप जाने एक बार।
देखना आपको दिया गया बच्चों, एक तो क्या दिया टुडे, तो टुडे का तो बच्चों आपको आ गया है। अब जरा टुडे की जगह आप देखना एक बार अपर करके देखते हैं यस्टरडे। अब यस्टरडे क्या स्थिति रहेगी देखो, यदि यस्टरडे आपको दिया हुआ, जैसे बच्चों मैंने आपको ये बोला कि मोहन से टू मी, मोहन ने मुझसे कहा राधा मेट मी यस्टरडे, माने राधा मुझे कल मिली, तो बच्चों सेंटेंस क्या बनेगा, मोहन टोल्ड मी दैट राधा हेड मेट हिम, और बच्चों यस्टरडे की जगह क्या करोगे द प्रीवियस डे, क्या करोगे द प्रीवियस डे। ज्यादातर तो बच्चों ये होता है द प्रीवियस डे, लेकिन कई बार बच्चों द डे बिफोर का प्रयोग भी किया जा सकता है, द डे बिफोर, क्लियर हो गया, द डे बिफोर का प्रयोग भी किया जा सकता है। अब ये जो बच्चों यस्टरडे है, इसके लिए एक शब्द और आता है क्या, यस्टर नाइट, ये हो गया यस्टर नाइट। हालांकि इसका प्रयोग बहुत कम होता है पोएट्री में, होता है हम किसका प्रयोग करते हैं लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का प्रयोग बच्चों ज्यादा किया जाता है। जैसे आपको दिया जा सकता है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा द हॉर्स डाइड लास्ट नाइट, उसने मुझसे कहा कि जो हॉर्स या घोड़ा है वो पिछली रात को मर गया था, तो बच्चों आप क्या सेंटेंस बनाओगे, ही टोल्ड मी दैट द हॉर्स हैड डाइड द प्रीवियस नाइट, तो क्या बनाओगे द प्रीवियस नाइट, ठीक है। तो बच्चों द प्रीवियस नाइट आपने बनाया, क्लियर। इसकी जगह बच्चों आप किसका प्रयोग कर सकते हो, द नाइट बिफोर का भी, लेकिन ज्यादा प्रयोग ऊपर वाला ही किया जाता है। बताओ दो चीजें समझ में आ गई है, अब बच्चों यस्टरडे समझ में आ गया आपके, तो यस्टरडे के अलावा बच्चों एक आप किसका प्रयोग कर सकते हो, यस्टरडे जब आता है बच्चों तो आप कर सकते हो द डे बिफोर यस्टरडे, तो उसको किसी में चेंज करोगे टू डेज, आप इसको चेंज करोगे टू डेज बिफोर में। जैसे बच्चों आपको यहां दिया गया द डे बिफोर, ठीक है, यस्टरडे, तो बच्चों द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब क्या होता है, मतलब कि एक तो बीता हुआ कल, एक बीता हुआ परसों, तो आप इसको चेंज करोगे बिफोर टू डेज, इसको चेंज करोगे आप बिफोर टू डेज में, ये उतारने लायक है बच्चों, इसको उतारना पड़ेगा, उतारें आप इसको बिफोर टू, है ना, तो बिफोर टू डेज की जगह बच्चों आप इसको कर सकते हो टू डेज बिफोर, ज्यादा सही रहेगा, क्या बिफोर टू डेज नहीं बच्चों, इसको करो टू डेज बिफोर, आपके लिए ज्यादा युक्ति युक्त रहेगा। तो आप क्या लिखेंगे टू, यू लिखो टू डेज, यहां वो नहीं लगाना अपोस्ट्रोफी, ठीक है, टू डेज बिफोर, ये बच्चों आपका परिवर्तन हुआ। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि एक तो था बच्चों टूडे, टूडे से आपने बनाया टू नाइट, तो टूडे को आपने बदला दैट डे में, उसी तरीके से टू नाइट को आपने बदला दैट नाइट में, फिर यस्टरडे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, यस्टर नाइट या लास्ट नाइट को आपने बदला द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर, और द डे बिफोर यस्टरडे आता बच्चों तो उसे आप बदलोगे किसी में टू डेज बिफोर, टू डेज बिफोर में आप बदलोगे, इसको आपने उतार लिया होगा। आइए देखें आप, एक डे आएगा बच्चों टुमारो, जैसे बच्चों मैं आपको कहता हूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि एलेक्स सेड टू मी, एलेक्स ने मुझसे कहा आई विल गो होम टुमारो, तो आप इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे, जैसे आपसे कहा गया एलेक्स सेड टू मी, एलेक्स ने मुझसे कहा आई विल गो होम टुमारो, अर्थात मैं कल गांव जाऊंगा। अब बच्चों ये बताओ, मैंने आपसे पूछा कि बताओ एलेक्स ने आपको क्या कहा, तो आप क्या कहोगे कि एलेक्स ने मुझे बताया कि वो अगले दिन गांव जाएगा, ऐसा कुछ बता, ऐसा ही तो चेंज करेंगे आप। तो जरा देखो आप, ये आ गया आपका टुमारो, अब टुमारो यानी क्या होता है बच्चों, आने वाला कल, तो टुमारो को किसी में बदलो, ये देखो एलेक्स सेड टू मी, एलेक्स ने मुझसे कहा आई विल गो होम टुमारो, तो आप चेंज करोगे एलेक्स टोल्ड मी दैट ही वुड गो होम द नेक्स्ट डे, तो टुमारो की जगह बच्चों आपने किसका प्रयोग किया द नेक्स्ट डे, किसका प्रयोग किया द नेक्स्ट डे, तो जो द नेक्स्ट डे का प्रयोग आपने किसकी जगह किया टुमारो की जगह, टुमारो का मतलब क्या होता है आने वाला कल होता है, टुमारो का मतलब बच्चों क्या बताया आपको, टुमारो का मतलब होगा आने वाला कल। अब बच्चों टुमारो की जगह आपको किसका प्रयोग दिया जा सकता है द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, इसका प्रयोग भी आप करते हो जैसे आने वाला, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो,
तो इसको चेंज किस में करो, ये इन टू डेज टाइम में, इन टू डेज, दो दिन का, ठीक है, इन टू डेज टाइम, इस तरीके से बच्चों आप इसको चेंज करो, इन टू डेज टाइम माने दो दिन का समय। अब बच्चों आप जानते हो कि आने वाला कल, अब आने वाली रात, तो आने वाली जो रात है उसके लिए तो आप जो है इसका प्रयोग नहीं करते हो, किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करते हो। अब ये जरूर है बच्चों कि टुमारो को आप द नेक्स्ट डे में बदलते हो, लेकिन इसे कभी कभी द फॉलोइंग डे में भी बदला जा सकता है, कभी कभी बच्चों इसको द फॉलोइंग डे में भी बदला जा सकता है। और द डे आफ्टर टुमारो, इसकी जगह आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, इन टू डेज टाइम का प्रयोग करना पड़ेगा। अब बच्चों इसी तरीके के से देखो, अपन देखते हैं, जैसे आपको दे दिया गया, यह दे दिया मैंने आपको नेक्स्ट डे, आने वाला दिन, तो नेक्स्ट के बाद में बच्चों कई शब्दों का प्रयोग करते हुए देखा जा सकता है। जैसे बच्चों नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे तो आप बोलते नहीं हो क्योंकि टुमारो बोल दिया आपने, लेकिन जैसे नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट ईयर है, तो उसका अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो क्या करोगे, देखो द नेक्स्ट वीक, क्या बनता हुआ इसका, आगामी सप्ताह, तो क्या करोगे, द फॉलोइंग वीक, ऐसे तो बदलोगे इसको। द नेक्स्ट वीक आ गया बच्चों, तो आप इसको किस में बदलोगे, द नेक्स्ट वीक को आप बदलोगे द फॉलोइंग वीक में, ठीक है। तो आपने बच्चों क्या देखा कि यहां आपने लगाया कि द नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, अगर मान लो यहां वीक की जगह मैंने क्या कर दिया, द नेक्स्ट मंथ, तो बताओ क्या करोगे, तो आप यहां करोगे द फॉलोइंग मंथ, कोई समस्या। उसी तरीके से आप ये देखो, अगर मान लो मंथ से बढ़ा जाए ईयर, नेक्स्ट ईयर, तो क्या कर दोगे, यहां कर दोगे द फॉलोइंग ईयर। ये था बच्चों परिवर्तन, ये था आपका परिवर्तन की नरेशन में किस तरीके से आप टाइम एंड डिस्टेंस डिनोट करने वाले एडवर्बियल्स यानी समय और दूरी सूचक शब्दों में किस तरीके से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय परिवर्तन करते हैं, ये सारी बातें बच्चों आपको मैंने समझा दी है, ठीक है। अब मैं आगे वाले टॉपिक पर बढ़ता हूं। चेंज तो बच्चों आपने करीब करीब सारे जान लिए हैं, अब आपको समझाया जाएगा चेंज इन टेंस वाइल चेंजिंग ए सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। जब आप किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हो तो टेंस में कैसे परिवर्तन किया जाता है, यहीं से बच्चों अपना टॉपिक शुरू होता है। अब तक जो मैंने पढ़ाया है ये बच्चों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का बैकग्राउंड या उसकी पूर्व पीठी का पढ़ाई है। अगर किसी बच्चे को अब तक कुछ भी समझ में नहीं आया है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चों अब तक जो बातें थी वो समझाने की कम और याद करने की ज्यादा थी। इसलिए अगर किसी बच्चे की अब तक भी कोई समझ में नहीं आया तो उसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, अब बच्चों समझ में एक्चुअली आपको आएगा ही अब, यानी अब जो असली फिल्म है वो मैं अब स्टार्ट करूंगा, और यहां से आप अगर अपने कानों को खुला रखेंगे और बिल्कुल चौकस होकर के मुझे सुनेंगे तो पूरी बातें आपके अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो बच्चों अब देखना, आप पहले देखो एक बार हम रिवीजन करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। ध्यान दो बच्चों, हमने पढ़ा चेंज इन आरवी, आरवी में कैसे परिवर्तन करते, ठीक है। हमने बच्चों दूसरे नंबर पे पढ़ा कंजंक्शन या कनेक्टिव का प्रयोग कहां होता है, ठीक है। और बच्चों हमने आगे पढ़ा प्रोनाउन में चेंज कैसे होता है, और हमने ये भी पढ़ा कि जो पर्सन होते हैं यानी पुरुष, उनमें परिवर्तन कैसे होता है। और बच्चों तो बताओ तीन और चार तो यही आ गए। आगे बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा, पर्सन का चेंज पढ़ा, और उसके बाद में आप ये देखो कि आपने टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी सूचक शब्दों में कैसे परिवर्तन करते हैं ये आपने जाना। अब बच्चों आपको क्या जानना है, अब आपको अंतिम चीज जाननी है चेंज इन टेंसेस। क्या करोगे, चेंज इन टेंसेस लिखोगे और अपने पन्ने को जैसे मैं कहूं वैसे दो भागों में डिवाइड करोगे और बातें समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो चेंज इन टेंसेस बच्चों आपने लिखा है, चेंज इन टेंसेस, क्लियर। अब मैं पहला पार्ट समझाऊंगा आपको, असर्टिव सेंटेंस है ना, तो असर्टिव सेंटेंस में बच्चों कैसे चेंज इन टेंसेस होता है, अब जरा ध्यान से सुनो। चेंज इन टेंसेस अगर आपने लिखा है तो प्लीज डिवाइड द पेज ऑफ योर नोटबुक इनटू
टू कॉलम्स, दो स्तंभों में आप क्या करेंगे, अपनी जो पाठ्य अपनी नोटबुक है उसके पन्ने को बच्चों को यूं बांटो। इस तरीके से आपने क्या किया, ये तो हो गई बच्चों आपकी आरवी और ये हो गया आपका आरएस। ठीक है, अब बच्चों एक बात समझ लेना, यहां से अपनी बात शुरू करता हूं, जरा देखना, जाह्नवी, ठीक है, सेज, जाह्नवी सेज, आई एम बीजी, इतना सा बोला बच्चों मैंने, जाह्नवी सेज आई एम बिजी, जाह्नवी कहती है मैं व्यस्त हूं। अब आपको देखना क्या है बच्चों, देखो ये वाला जो पार्ट है जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर है, दैट्स व्हाट यू कॉल रिपोर्टिंग वर्ब, ये बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये वाला पार्ट बच्चों जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है, दैट्स व्हाट यू कॉल आरएस, आई मीन द रिपोर्टेड स्पीच, आप इसको आरएस माने रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्लियर हो गया है? अब बच्चों जब आप इसको चेंज करोगे तो क्या स्थिति रहेगी बताओ, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है कौन से टेंस में है? बच्चों आप जानते हैं सेम एस या एस जुड़ा हुआ है, तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बच्चों क्या जोड़ दिया जाता है, एस या ई एस, तो ऐसे वाक्य का टेंस हमेशा होता है प्रेजेंट सिंपल। कौन सा होता है? तो बच्चों ये बात अच्छे से समझ लो कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में अगर है, कौन से टेंस में है, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, टेंस में क्या होगा बच्चों, टेंस ही तो पढ़ रहे हैं, टेंस यानी फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहली बात खत्म। कैसे? जैसे जाह्नवी, यह है बच्चों जाह्नवी, ठीक है, यो का यो लिख दिया मैंने, ये हो गया जाह्नवी। अब बच्चों सेज के बाद में आपको क्या बताया था आरवी में, आपको बच्चों मैंने ये कहा था, ध्यान दो जरा, चेंज इन आरवी, आप पढ़ रहे हो असर्टिव सेंटेंस, कौन से सेंटेंस पढ़ रहे हो, यह असर्टिव सेंटेंस, तो जरा ध्यान दो बच्चों, आपको क्या बताया था दोबारा समझ लो, असर्टिव सेंटेंस में बच्चों आरवी में कैसे चेंज करोगे, पहला आरवी का चेंज बताता हूं, से का से ही रहेगा, ठीक है, सेज का सेज ही रहेगा और सेड का सेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, परंतु यदि से टू आ रहा है तो टेल में बदलोगे। क्लियर? उसी तरीके से सेज टू आ रहा है तो टेल्स में बदलोगे। क्लियर? उसी तरीके से बच्चों अगर सेड टू आ रहा है तो टोल्ड में बदलोगे। बोलो समझ में आ गई यहां तक बात? अब बताओ क्या आ रहा है, आप देख रहे हो बच्चों सेज आ रहा है, इसमें तो चेंज ही नहीं होता इस वाले कॉलम में तो, और इस वाले कॉलम में चेंज होता है, तो पहला तो बच्चों कुछ नहीं करना, आरवी जैसा गाया वैसा का वैसा उतार दो, तो आप क्या लिखोगे, जाह्नवी सेज। क्लियर? आगे देखो, आरवी तथा आरएस को किससे जोड़ो, दूसरा पॉइंट बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है जरा देखो, कंजंक्शन, दूसरा पॉइंट क्या है, कंजंक्शन या कनेक्टिव, एक ही बात है ना, तो आरवी तथा आरएस को किससे जोड़ना पड़ेगा, दैट माने की से जोड़ना पड़ेगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, जाह्नवी सेज दैट। अब दैट लगाते ही क्या होगा बच्चों, सारे जो चिन्ह है वो क्या हो जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, हट गए, तो जाह्नवी सेज दैट। अब बच्चों क्या होगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन प्रोनाउन बदलेंगे, बताओ आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, आप देखते हो कि बच्चों आई क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या पजेसिव है, तो सभी जानते हैं बच्चों ये सब्जेक्ट है, तो जाह्नवी का सब्जेक्ट क्या होगा, शी। ध्यान दो बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन का प्रयोग होता है, नाउन कभी रिपीट नहीं होता, तो आप क्या करोगे, शी। अब आप जानते हो टेंस चेंज नहीं होगा, यानी एम आर है तो इज एम आर की जगह इज एम आर ही रहेगा, इज एम आर। अब बच्चों आप जानते हो एम तो हटेगा क्योंकि एम तो आई के साथ आता है, आई तो हट गया, ये गया। अब बच्चों आप जानते हो आर हटेगा क्योंकि आर तो प्लूरल के साथ आता है, ये गया, शी सिंगुलर है बच्चों, तो इज रहेगा, शी इज, और आइए बिजी यो का यो उतर जाएगा, बताओ आपका आंसर, सारे चिन्ह हट जाएंगे, फुल स्टॉप आ जाएगा, बताओ आपका आंसर बनके तैयार हो गया है, नहीं हुआ है, आपका क्वेश्चन ये था कि जाह्नवी सेज आई एम बिजी, और आपका आंसर बच्चों ये है कि जाह्नवी सेज दैट शी इज बिजी, शी इज बिजी। बच्चों मैंने शी के साथ इज का प्रयोग किया है, वाज का प्रयोग नहीं किया है, ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, सदैव याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच शैल नॉट बी चेंज्ड। क्लियर है बच्चों? तो इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके,
तो बच्चों आपको हम समझा रहे थे असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस में बच्चों आप जानते हो असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो अफर्मेटिव दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव को अन्यथा पॉजिटिव भी कहते हैं। ध्यान दो, अफर्मेटिव और असर्टिव अलग अलग होते हैं। अफर्मेटिव इज अ पार्ट ऑफ असर्टिव, ठीक है। तो बच्चों आप ये समझो कि जानवी सेज दैट शी इज बिजी, क्या नहीं किया आपने, क्या नहीं किया आपने, आपने बच्चों टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो आपने ये, आप ये समझो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन बदलेंगे, सिर्फ प्रोनाउन बदलेंगे, और साथ ही साथ बच्चों जो टाइम और डिस्टेंस को बताने वाले शब्द हैं वो भी चेंज नहीं होंगे। क्योंकि आप इस बात को समझो कि टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन तब होता है जब वाक्य के टेंस में परिवर्तन होता है। सिंस यू आर नॉट मेकिंग एनी चेंज, सिंस यू आर नॉट मेकिंग एनी चेंज इन द टेंस ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि आप सेंटेंस के टेंस में किसी तरीके का क्या नहीं कर रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इसलिए टाइम एंड डिस्टेंस को डिनोट करने वाले जो एडवर्बियल्स हैं उनमें भी किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा। अगर इतनी बात बच्चों आपकी समझ में आ गई है तो आप ये भी समझो, यहां आपने एक बच्चों ये भी देखा आरवी और आरएस को आपने किससे जोड़ा, डेट से जोड़ा, और ध्यान दो बच्चों आज से पहले आप डेट का अर्थ क्या पढ़ते आए थे, वह उस, लेकिन यहां इसका मतलब कंजंक्शन के रूप में इसका मतलब क्या होता है, की होता। क्लियर हो गया। एक बात और समझो कि यहां लिखवाता हूं, जानवी सेज दैट शी। अब यहां जो समझाने लायक बातें थी आपको वो एक तो क्या है कि आप दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और दैट का मतलब क्या होता है, की होता है। ध्यान दो बच्चों जब आप किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला हुआ हर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला हुआ हर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, बशर्ते बशर्ते उसमें क्या हो, उसमें बच्चों जो वर्ब होती है ना वर्ब वो क्या हो, एक से ज्यादा हो। बशर्ते उसके अंदर जो फाइनाइट वर्ब होती है वो एक से ज्यादा है, अगर एक से ज्यादा है तो क्या होगा, हर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया हुआ सेंटेंस बच्चों कंपाउंड सेंटेंस नहीं होता, सिंपल नहीं होता। सिंपल तो बच्चों ये है, देखो ये सिंपल, जब दोनों सिंपल को आपने किसका प्रयोग करते हुए मिलाया, दैट का प्रयोग करते हुए मिलाया। दैट क्या है, दैट एक सुबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ध्यान दो बच्चों जब सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके आप किसको मिलाते हो, दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाते हो, तो जिस लार्जर सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है दैट इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वह हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, एंड नेवर कंपाउंड सेंटेंस, और कभी भी कंपाउंड सेंटेंस नहीं होता। क्लियर है। तो बच्चों क्या बातें समझी आपने, आपने बच्चों जो ज्ञान की बातें वो ये समझी कि दैट माने की होता है, और बच्चों दैट एक एस सी माने सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, और जब दैट की सहायता से बच्चों आप क्या करते हो, दो सिंपल सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हो, यानी किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो, तो जिस लार्जर सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है दैट इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वह हमेशा क्या होता है, वह हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, जिसको हिंदी मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य या जटिल वाक्य कहते हैं। क्लियर। एक बात, दूसरी बात, बच्चे क्या करते हैं कि जानवी से दैट, यहां भी जानवी लगा देते हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, जब एक बार आपने नाउन का प्रयोग कर दिया तो क्या दूसरी बार फिर नाउन आएगा, ऐसे बोलते हैं कि राम मेरा दोस्त है, राम पढ़ने में होशियार है, ऐसे बोलते हैं राम मेरा दोस्त है, वह पढ़ने में होशियार है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बच्चों पहले किसका प्रयोग करते हो, नाउन का प्रयोग करते हो, और उसी सेंटेंस में क्या होता है, या आगे वाले सेंटेंस में जब उस नाउन को रिपीट करने की स्थिति आती है तो उसको रिपीट नहीं किया जाता है, ठीक है। द रिपीटेशन ऑफ नाउन इज ऑलवेज अवॉइडेड, यानी नाउन के रिपीटेशन को हमेशा अवॉइड किया जाता है, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज वी यूज, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज वी यूज सूटेबल प्रोनाउन, और बच्चों हम क्या करते हैं, एक उचित प्रोनाउन का प्रयोग वहां करते हैं। तो ये हमेशा बच्चों याद रहे कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी सेंटेंस को बदलते हो तो जो सब्जेक्ट होता है आरवी का, सब्जेक्ट, ठीक है, उस सब्जेक्ट में क्या होता है बच्चों, प्रोनाउन का प्रयोग होता है, सदैव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। प्रोनाउन कैसा होगा, यदि ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो यह भी सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, यदि यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो वह भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, और यदि यह पजेसिव फॉर्म में है तो वह भी पजेसिव फॉर्म में होगा। अब बात यह है कि कैसे पता चले, वो बच्चों आपको टिबिल याद कराइए, आई मीम आई याद करो, आई मीम आई होता है, वी अस अवर होता है, यू यू योर होता है, ही हिम हिज होता है, उसी तरीके से समझ गए आप, जानते हो शी हर हर होता है, दे देम देयर होता है, इट इट इट्स होता है, हु हुम हुज होता है। तो जो बातें याद करते हैं कि उनमें बताओ मैं क्या कर सकता हूं, याद तो आपको करनी पड़ेगी एनी ऑफ। तो यहां तक की बातें बच्चों अगर आपकी समझ में आ गई है और आपने क्या देखा
कि जब भी आप ध्यान दो, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में है, क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन बदलेंगे, सिर्फ प्रोनाउन बदलेंगे। क्लियर हो गई ये बात? और क्या नहीं बदलेगा? और बच्चों टाइम एंड डिस्टेंस को दिखाने वाले जो शब्द हैं वह भी नहीं बदलेंगे। आइए वाला दो स्टेप आइए बढ़ाओ, ये पन्ना पूरा खाली रहेगा क्योंकि इसके अंदर मैं पूर्ति कराता रहूंगा, ये बढ़ता रहूंगा। असर्टिव सेंटेंस पढ़ाए जा रहे हैं आपको, ध्यान दो, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। तो देखो बच्चों, पहली बात समझ में आ गई तो दूसरी ओर समझो, यहां कर दिया हमने फ्यूचर, क्या कर दिया? आरवी को फ्यूचर टेंस में कर दिया। अब क्या स्थिति है? अब बच्चों स्थिति ऐसी है, दूसरा एग्जाम्पल देता हूं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे ध्यान देना, एलेक्स विल से, सेंटेंस है बच्चों एलेक्स विल से, एलेक्स कहेगा, क्या कहेगा? आई एम बिजी, मैं बिजी हूं। अब बताओ एलेक्स विल से आई एम बिजी, तो बच्चों आप देखो एलेक्स ऐसा कैसा जाएगा, कोई दिक्कत? विल की जगह विल लगा दो, एलेक्स विल, अब से क्या आ जाएगा? टू नहीं आ रहा ना, तो सही होगा उतर जाएगा। एलेक्स विल से आरवी तदार, इसको दैट से जोड़ो, दैट ये आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार बदलेगा? फर्स्ट पर्सन बच्चों ये आरवी है ना, इसके सब्जेक्ट के अनुसार। अब प्रश्न ये है कि ये आई क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो एलेक्स की जगह किसका प्रयोग होगा? ही का प्रयोग होगा। अब ही के साथ तो बच्चों एम नहीं आ सकता, ही इज, और ये आ गया बिजी, सारे चिन्ह हट जाएंगे, आपका उत्तर बनकर तैयार हो गया है। एलेक्स विल से दैट ही इज बिजी, माने एलेक्स कहेगा कि वह बिजी है। एलेक्स विल से दैट इज बिजी, माने एलेक्स कहेगा कि वह बिजी है। तो बच्चों क्या निष्कर्ष निकाला, व्हाट इज द कंक्लूजन? निष्कर्ष क्या है बच्चों? निष्कर्ष ये है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन बदलेंगे। उसी प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब यदि फ्यूचर टेंस में है तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, यानी परिवर्तन नहीं होगा, और बच्चों क्या होगा? सिर्फ प्रोनाउन बदलेंगे। बात समझ में आ गई है? इसका मतलब बच्चों नियम नंबर दो और एक एक ही है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ प्रोनाउन बदलते हैं। इसके ऊपर बच्चों सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, न के बराबर। क्या होता है? इस टॉपिक के ऊपर सवाल कम पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है। कैसे? जैसे एक सेंटेंस बच्चों एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, हालांकि आपका एसएससी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? कल को आप कोई एसएससी वगैरह के एग्जाम भी देने हैं, तो आप जानो बच्चों कंफ्यूजन कहां क्रिएट किया जाता है। माना कि सवाल एसएससी में पूछा गया था, लेकिन सवाल वो आपकी स्टैंडर्ड का था, उसकी जड़ें आपकी जो आपके सिलेबस में है, इसलिए चीज जान लो कि क्या सवाल था, कैसे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया गया। देखो शी हैज जस्ट सेड, शी हैज जस्ट सेड, उसने अभी भी कहा है क्या? माई फादर इज नॉट एट होम, यानी शी है जस्ट सेड माई फादर इज नॉट एट होम, अर्थात उसने अभी भी कहा है मेरे पिताजी घर पर नहीं है, उसने अभी भी कहा है मेरे पिताजी घर पर नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि बताओ उसने क्या कहा, तो आप क्या कहोगे? उसने अभी भी कहा कि उसके पिताजी घर पर नहीं है। अब बच्चों बात यह है कि बच्चे कंफ्यूज कहां हो जाते हैं कि साहब ये तो पास्ट टेंस समझ लेते हैं इसको, लेकिन बच्चों आप जरा ये देखो कि ये माना कि थर्ड फॉर्म है, लेकिन आगे है जा रहा कि नहीं आ रहा, तो बताओ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। देन हाउ कैन यू से दैट द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस? सिर्फ बच्चों सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म को देख करके ये कहना पर्याप्त नहीं है कि आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। आप ये भी तो देखो कि इसके आगे हैज का प्रयोग हो रहा, जानते हैं हैज या हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वह सेंटेंस कौन से टेंस का होता है? दैट सेंटेंस ऑलवेज बिलोंग्स टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ इंग्लिश। तो बच्चों वह इंग्लिश ग्रामर के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, प्रेजेंट, कौन सा बोला मीन प्रेजेंट। तो चूंकि प्रेजेंट का है इसलिए बच्चों क्या होगा, कैसे सेंटेंस चेंज होगा जरा देखना, शी हैज, ये आ गया जस्ट सेड दैट, कोई समस्या ही नहीं है तक तो। अब ये जो माई बच्चों क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये किसके अनुसार? शी के अनुसार, लेकिन बच्चों सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लेकिन ये पजेजिव, तो इसका पजेजिव क्या होगा, हर होगा कि नहीं होगा? तो यहां माई फादर की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, हर फादर, हर फादर। अब ये इज की जगह बच्चे वाज कर देते हैं ये सोच के कि साहब ये तो पास्ट टेंस में, लेकिन बच्चों इज का इज ही आएगा। ये ध्यान दो, ये विशेष बात है, इज नॉट एट होम, बोलो
बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत आसान है। मैं ये समझाना चाहता हूं बच्चों, ये कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि रिपोर्टिंग वर्ब में आपको हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है। ऐसे में बच्चों वो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है ना वो प्रेजेंट टेंस की होती है और बच्चों वह पास्ट टेंस की नहीं होती। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कहां गलती करते हैं बच्चे, बच्चे सीधे थर्ड फॉर्म देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये तो पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। अरे बच्चों ये माना कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है लेकिन उसके आगे हे जेव का प्रयोग हो रहा तो टेंस कौन सा जरा बताना, तो टेंस तो बच्चों प्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट टेंस है। तो ऐसे में आपको कौन सी नियमों का पालन करना पड़ेगा, आपको इन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो बच्चों ये बात आपकी हो गई है। अब बच्चों जो पिक्चर स्टार्ट होती है वो यहां से स्टार्ट होती है, कहां से, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ प्रोनाउन बदलते हैं और वहां कंफ्यूज करने वाली पोजीशन केवल यह है, इसके अलावा कहीं से सवाल बन नहीं सकता। आइए जरा देखो बच्चों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, कौन से टेंस में, पास्ट, ये कॉलम बच्चों पूरा खाली रहेगा, कुछ नहीं आएगा इसमें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है प्रेजेंट सिंपल, क्या दिया गया है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा कौन से में, पास्ट सिंपल। ठीक है, अब बच्चों ये बताओ कि प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदलना पड़ेगा तो प्रेजेंट सिंपल का मतलब जानते हैं ना, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या क्या आएगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की पांचवी फॉर्म आएगी, यानी उसमें ऐसे ये जुड़ा हुआ होगा, या डू का प्रयोग होगा या डज, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो बच्चों ये इसको कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। एक वो इज एम आर और हैज एव वाला भी है तो वो भी समझा दूंगा आपको मैं। अब बच्चों इसको आपको किस में बदलना पड़ेगा, इसको आपको बदलना पड़ेगा या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में, या इसको बदलना पड़ेगा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ये परिवर्तन बच्चों आपको आना चाहिए। एक सेंटेंस बोलूंगा और अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अब जरा गौर फरमाना बच्चों, सेंटेंस आपकी पहली बार में समझ में आ जाएगा। देखना सेंटेंस है बच्चों, कृष्णा शेड टू राधा, कृष्णा शेड टू राधा, ये कोमा लगा दिया और बच्चों रिपोर्टेड स्पीच में दे दिया आपको आई लव यू। कृष्णा शेड टू राधा आई लव यू, कृष्णा ने राधा को क्या बोला, आई लव यू बोला। अब बच्चों आप ये बताओ कैसे चेंज करोगे, जरा देखना कृष्णा, अब बताओ शेड टू कैसे बदलोगे, जानते हो आइए टू आ रहा तो कृष्णा ये हो गया आपका टोल्ड। कोई समस्या, ध्यान दो टोल्ड के बाद टू का प्रयोग करना सख्त मना है, तो कृष्णा टोल्ड ये आ गया राधा। बताओ अब बताओ आरवी तथा आरएस को लगा दो डेट से, ये डेट जोड़ दिया। आई बच्चों फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, कृष्णा के अनुसार बदलेगा, कृष्णा पुरुष है तो बच्चों इसका सब्जेक्ट ही हो जाएगा, तो आप क्या करोगे ही। अब बच्चों क्या करोगे ये बताओ, ये प्रेजेंट सिंपल है कि नहीं, तो प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म बनाओ लव्ड, ये हो जाएगा लव्ड। ये यू बच्चों क्या है, ये राधा के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लेकिन ये वर्ब के बाद आ रहा ऑब्जेक्ट है और राधा का सब्जेक्ट शी होता है, तो बच्चों अपने को इसका ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या हो जाएगा हर। तो बताओ क्या करोगे, कृष्णा टोल्ड राधा दैट ही लव्ड हर, कृष्णा टोल्ड राधा दैट ही लव्ड हर, कृष्णा ने राधा को कहा कि वह क्या करता था, उसको लव करता था। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि असर्टिव सेंटेंस जो है उसके तीन स्टेप मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब इसका जो नेगेटिव सेंटेंस है वो भी आपको हम करके दिखाएंगे। नेगेटिव कुछ नहीं है बच्चों, जैसे मान लो आपको दे दिया आई डू नॉट लव तो ही डिड नॉट लव, जहां नॉट आ रहा है वहां नॉट का प्रयोग हो जाएगा, फिर भी हम आपको करके दिखाएंगे। तो बच्चों इस तरह से आज की बात यही समाप्त, और आइए वाली अगली क्लास में। नमस्कार।